आई कुसुम सहारे फाउंडेशन की ओर से 1 अगस्त से 20 अगस्त तक भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रेशिमबाग मैदान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 75 से 80 टीम का सहभाग होने की जानकारी आयोजक नागेश सहारे ने एक पत्र परिषद में दी। फुटबॉल एक प्रकार का मैदानी खेल है। यह विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा मनोरंजक खेलों में सम्मिलित है। ये खेल बड़ा ही रोमांचकारी होता है। विभिन्न देशों के युवा वर्ग इस खेल को काफी पसंद भी करते हैं। नागपुर में आई कुसुम सहारे फाउंडेशन की ओर से भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रेशिमबाग मैदान पर किया जा रहा है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में विदर्भ के कुल 75 से 80 टीम शामिल होने वाली है। साथ ही विजेता संघ और बाकी संघों को आकर्षक उपहार देने की जानकारी आयोजक नागेश सहारे ने दी। मिशन के माध्यम से भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 1 अगस्त से होने वाली है। नागपुर के आसपास की मतलब विदर्भ की टीम यहाँ पे सहभाग लेने वाले हैं और ऐसा अंदाज है हमें कि 100 के आसपास टीम हो जाएगी इस बार। और इस बार हमने हमारा प्राइस 1,50,000 30,000 ऐसा 8 प्राइजेस है और बेस्ट ऑफ द प्लेयर एक बाइक है और 16 साइकिलें हैं। ऐसा अनेक एक खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए हमने ये टूर्नामेंट आयोजित की हुई है। हमारा उद्देश्य ये है कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिले और एक अच्छा फुटबॉल का रेशिमबाग समान क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण बने और उस तरीके से वातावरण कंटिन्यू हमारा चालू है और फुटबॉल का वातावरण इससे और ज़्यादा बढ़े, यही हमारी हमारा उद्देश्य है कि इस माध्यम से हमने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है कि नागपुर में इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यही हम सातों साथ पढ़ाई में भी ध्यान रहे और खेलों में भी ध्यान रहे। कोई भी गेम हो, गेमों के माध्यम से हमारे खासदार महोत्सव का भी आयोजन माननीय गडकरी साहब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम करते हैं और यह हमारा जो 17वां साल है, बहुत पहले से हम लोग ये टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं और सभी खिलाड़ियों को बहुत इंतज़ार होता है कि ये टूर्नामेंट कब आती है। और रेशिमबाग में एक मेला लगता है, जब 20 दिन का ये टूर्नामेंट होता है तो 20 दिन कंटिन्यू वहाँ पे एक युवकों का मेला लगता है। इस तरीके से टूर्नामेंट का आयोजन हुआ होता है। आई फाउंडेशन रेशिमबाग पिछले 15 सालों से क्रीड़ा क्षेत्र में फुटबॉल, क्रॉस कंट्री, क्रिकेट, कैरम और पतंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता को देखने आने की अपील एडविन एंथनी ने की है। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोर के साथ स्वप्निल बुंदाड़े की रिपोर्ट।